So when should you quit your UPSC preparation for CAT? Not only for the CAT, for any other examination. This a question जो बहुत बार आपको हॉन्ट करता होगा. यूपीएससी अ ड्रीम. बहुत लोगों ने बोला कि ड्रीम को तब तक चेंज कर सको जब तक आप कर सकते हो. फाइट अनटू डेथ. दिस इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ऑब्वियसली. यस, बट आपको लॉजिकल होना होगा, आपको क्रिटिकल होना होगा, आपको एनालिटिकल होना होगा. दिस इज नॉट लाइक अ फाइट और एक वार्ड है जो आप बॉर्डर पे लड़ रहे हो. फाइट अनटू डेथ. दिस इज अ फाइट इन विच यू शुड क्विट और यू शुड रीस्टार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं व्हेन यू शुड क्विट योर यूपीएससी प्रिपरेशन और एनी अदर प्रिपरेशन फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन और फॉर एनी अदर गोल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्विटिंग इज नॉट क्विटियापा. क्विटिंग इज अ रिफ्रेश स्टार्ट. क्विटिंग इज अ चांस टू स्टार्ट अगेन एंड टू गिव योर बेस्ट. मैं आज ये डिस्कस करता हूं. उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिंस लास्ट 10 ईयर्स ऐसा कोई भी ईयर्स नहीं होगा जिसमें मैंने 10+ स्टूडेंट को गाइड नहीं किया होगा फ्रॉम यूपीएससी टू अदर बैकग्राउंड मूव करने में. एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ सक्सेसफुली. नाउ द कोर्ट सक्सेसफुली इज अ सब्जेक्टिव वर्ड. तो आप इसको यूपीएससी वर्सेस किसी और जॉब या किसी और प्रोफाइल से कंपेयर मत करना. दिस वन इज ऑल अबाउट शुड आई कंटिन्यू माई यूपीएससी प्रिपरेशन, आई हैव अटेम्प्ट लेफ्ट और शुड आई स्टार्ट समथिंग एल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने जिनको गाइड किया है दे आर राइट नाउ इन द बिग आईएम्स से पास आउट है, बिग कॉर्पोरेट्स में है. एंड वन और टू पीपल्स आर एक्चुअली नॉट द यूपीएससी एस्पिरेंट. वो यूपीएससी एस्पिरेंट तो थे एंड दे आर ऑल्सो टीचिंग यूपीएससी इन द बिग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. सो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं व्हेन यू शुड क्विट और री स्टार्ट और स्टार्ट अफ्रेश. अगर यू हैव दीज थिंग्स इन योर माइंड, 1, 2, 3, 4 कुछ भी है तो आप डिस्कस कर लेना मुझसे कि सर दीज आर द थिंग्स. इन द फर्स्ट और द फ्यू और ऑलमोस्ट सारे में मेरे टिक हैं, तो यू शुड स्टार्ट अफ्रेश. थिंक अबाउट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, थिंक अबाउट योर दिस एग्जाम प्रिपरेशन, मूव योर गोल, शिफ्ट टू अदर एग्जाम्स एंड गिव योर बेस्ट. तो पहला, और ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज बेसिस ऑफ माई लर्निंग्स, लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने यूपीएससी से मूव करके एमबीए में गए या यूपीएससी से मूव करके किसी और जॉब प्रोफाइल में गए. सो व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट, व्हाई आई सेड आई डिसाइडेड टू क्विट, आई डिडंट क्विट माई यूपीएससी ड्रीम. मैंने यूपीएससी को डीम को चेंज नहीं किया था. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हेन यू शुड क्विट, आई एम टेकिंग व्हेन आई शुड. आई डिसाइडेड टू क्विट. इफ यू से आई डिसाइडेड टू क्विट बिकॉज आई एम डाउटिंग माई सेल्फ मल्टीपल टाइम्स, आई कैन क्लियर और कैन नॉट क्लियर. इफ यू हैव सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट होना निगेटिव नहीं है. इसको ये याद रख लो कि आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, मतलब नहीं आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियंस, आपके मेंटर्स आपसे बोल सकते हो डोंट डाउट योर सेल्फ. आगे बढ़ो ना, पिछले बार कम अटेम्प्ट किया, इस बार ज्यादा मेहनत करके अटेम्प्ट करो. बट यू नो व्हाट यू आर. आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं जान सकता है आपको आपसे अच्छा. व्हेन यू आर डाउटिंग योरसेल्फ मल्टीपल टाइम्स, नहीं बॉस दिस एग्जाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर यूपीएससी लाइफ क्या होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम और दिस प्रिपरेशन इज नॉट फॉर मी, मैं बेस्ट शायद नहीं दे पाऊं. व्हेन यू हैव डाउटिंग योरसेल्फ, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यू डाउट कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स. सो यू हैव चेक बॉक्स. ये याद रखना कि अगर आप टिक करते हो एक से ज्यादा चेक बॉक्स में, जितने भी मेरे पास स्लाइड्स दिखेंगे, यू हैव अ वैलिड रीजन टू रिस्टार्ट अफ्रेश. आप मुझसे डिस्कस कर लेना, मेरे सारे सोशल हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो. तो पहला रीजन क्या है, क्या आप इसमें टिक आउट कर रहे हो, सेल्फ डाउटिंग मल्टीपल टाइम्स. अगर आपका टिक आउट है तो टिक आउट करना आप है क्या. आई डिसाइडेड टू क्विट व्हेन आई न्यू आई कुडंट हैव वर्क हार्डर और गेट बेटर स्कोर देन माई लास्ट अटेम्प्ट. अगर आपको लगता है कि आपके इस अटेम्प्ट में आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए जितना लास्ट अटेम्प्ट में परफॉर्म करते हो, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन यू शुड थिंक. आई डिसाइडेड टू क्विट इवन आफ्टर गिविंग माई 100%, नॉट 110%, दिस इज लेस देन व्हाट द एग्जाम रिक्वायर्ड. आप अपना बेस्ट दे रहे हो, बट आपका बेस्ट भी एग्जाम्स के लेवल के शायद हो सकता है बहुत बार ऊपर चला जा रहा हो या बहुत बार नीचे चला जाता हो. मैं जानता हूं एक स्टूडेंट को जिसने यूपीएससी में पीटी तक भी नहीं निकाली थी, बट वो यूपीएससी के मेंस स्टूडेंट को टीच करता था एक बिग इंस्टीट्यूशन में. तो ऐसा कुछ नहीं है. यूपीएससी प्रिपरेशन इज समथिंग डिफरेंट देन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी पीटी, प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी मेंस. यूपीएससी प्रिपरेशन की पीटी की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है मेंस की. तो बहुत लोगों को जिनके पास कैलिबर होता है यूपीएससी को क्रैक करना, बींग टॉपर होना, शायद वो पीटी में थोड़े से फंबल कर जाते हैं. तो यूपीएससी पीटी इज अ गैम्बल. बट आपको लगता है कि नहीं यू आर रेडी फॉर द मेंस, बट कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म हो रहे हो राइट इन द राइटिंग स्किल, इन द मेंस और इन द पीटी, दिस इज टाइम टू थिंक. लेकिन मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, किसी भी ड्रीम को क्विट करना और समथिंग री स्टार्ट करने के पहले बहुत बार सोचना, जितने भी चेक बॉक्स हैं देखना. सो
नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डिसाइडेड टू क्विट, आई जस्ट रियलाइज माई पोटेंशियल एंड ट्राई टू यूटिलाइज माई स्किल्स समवेयर एल्स वेयर आई कैन सक्सीड डेफिनेटली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं यहां तो फाइट किए जा रही हूं, मुझको वो नहीं मिल रहा है जो मुझको चाहिए, सो आई रियलाइज कि नहीं, मेरे में जो पोटेंशियल और है मैं कहीं और लगा दूं, लाइक एमबीए में अगर मैं लगा दूं, मेरा जो नेचर है डेफिनेटली मैं वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा सक्सीड कर लूंगी, अच्छा ले लूंगी इन द कम टाइम पीरियड। ये याद रखो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, क्विट करना और किसी चीज में मूव करना इज नॉट फेल्योर, इट्स ऑलवेज इज पाथ ऑफ सक्सेस। आप सोचो, आपको ये हो सकता है कि सर आई हैव वर्क फॉर द यूपीएससी 2 years 3 years, मेरे पास कोई वर्क एक्स नहीं है, इफ आई मूव टू दी कैट आईएम्स तो क्या वो मुझे निगेटिव देखेंगे, क्या मुझे गैप ईयर्स का निगेटिव पॉइंटिंग मिलेगा? बिग नो, गैप ईयर्स का पॉइंटिंग नहीं होता है। यूपीएससी लाइफ इज अगेन अ जर्नी जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं अगेन बोल रहा हूं, इन द थर्ड अटेम्प्ट और द फोर्थ अटेम्प्ट और द फिफ्थ अटेम्प्ट समटाइम यूपीएससी निकलता है, तो इट्स यू, आपको डिसाइड करना है कि इट इज अ राइट टाइम टू मूव फ्रॉम द यूपीएससी और आपको यूपीएससी में ज्यादा फाइट करना है, इट इज यू। लेकिन अगर आपके चेक बॉक्स में बहुत सारे टिक यस होते हैं तो आपको मुझसे बात करना चाहिए, आपको डिस्कस करना चाहिए या आपको अपने मेंटर से बात करना चाहिए, इट इज अ राइट टाइम टू मूव समवेयर एल्स। आई डिसाइडेड टू क्विट व्हेन आई फेल्ट, जब मुझे ऐसा लगा, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई प्रोडक्टिव ईयर्स आफ्टर वन एग्जाम और वन सर्विस एंड गेटिंग डिप्रेस्ड, आई शुड यूज माई एनर्जी समवेयर एल्स। जब आप डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे डिप्रेशन लाइफ में बहुत बार आती है अगर आप सक्सेस आपको नहीं मिलता है तो, लेकिन जब आपको लगता है कि आप अपनी एनर्जी पूरी तरह से दे रहे हो एंड उधर से कुछ फॉलबैक अच्छा नहीं आ पा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, दिस इज अ टाइम टू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्स। तो अगर आपके ये सारे टिक बॉक्स में यस निकलते हैं तो यू शुड थिंक ऑफ द अदर एग्जाम, यू शुड थिंक ऑफ द अदर प्रोफाइल, यू शुड थिंक अ रीस्टार्ट। नाउ हियर आई वांट टू से, यू डोंट डिसाइडेड टू क्विट, यू हैड अ फ्रेश स्टार्ट। एंड फ्रेश स्टार्ट का कहीं मतलब नहीं होता है फेल्योर। मैंने यूपीएससी पाथ छोड़ दिया, मैंने एक्सवाईजी पाथ छोड़ दिया, बट आप दूसरे पाथ में जाके अपना बेस्ट दे रहे हो, ये कहीं नहीं होता है फेल्योर हो, ये कहीं नहीं होता है कि लाइफ में आपने रिग्रेट किया है। आपको देना है अपना बेस्ट, यू शुड गिव योर बेस्ट एंड दिस इज अ राइट टाइम टू डिसाइड कि आगे मूव क्या करना है, बिकॉज कैट हैज 3 months और एक्सवाईजी मंथ, आप जब भी वीडियो देख रहे हो, यूपीएससी हैज दिस मंथ, दिस इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट कि मुझे अभी मूव किधर करना है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे बात करो, मेरे डिस्क्रिप्स कोई भी बात हो आप मुझसे बात करो, इस वीडियो के लिंक में मेरे साथ से कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा हो तो यू कैन टॉक टू मी और टॉक टू योर मेंटर्स। मुझसे कैसे बात करोगे, मेरे सारे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो फाइंड द लिंक्स एंड कॉन्टेक्ट टू मी। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके बेस्ट में मेरा बेस्ट तो हमेशा रहेगा, और जब दो बेस्ट लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि वॉट टू डू, रिजल्ट ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट मिलता है। तो कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन मुझसे पूछो, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी बेटर देन द बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, या सेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।